जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें लेकर आया हूं भारत में अरबों का आक्रमण। अब अरबों ने किस प्रकार से आक्रमण किया था, लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश के बारे में और जैसे चेर चोल वंश के बारे में, तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आए हैं, आप नई वीडियो है, बहुत मजेदार वीडियो है, और भारत में अरबियों के किस प्रकार से आक्रमण हुए थे तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अरबियों ने हमारे देश पर किस प्रकार से जो है वो आक्रमण किया था, बहुत ही एक मजेदार कहानी है, तो इस कहानी को आज हम आपके साथ देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि 711 ईस्वी में अबू दुल्ला के नेतृत्व में जो है एक अभियान, सिंध पर अभियान शुरू कर दिया कि सिंध को जीतना है। भैया क्या हुआ कि उन्होंने जो भेजा, परंतु वो वहां से हार कर मारा गया, यानी कि मतलब हारा और उन्होंने मार डाला। नेक्स्ट फिर उन्होंने दूसरा अभियान फिर से इन्होंने अरबियों ने चलाया, बुदैल को भेजा और ये भी असफल रहा और फिर वापस लौट गया। तीसरा अभियान फिर से चलाया 712 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने नेतृत्व में उन्होंने चलाया, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले भारत पर जो है किस अरबी ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वैसे उबैदुल्ला ने भी किया है, आपके सामने है, बुदैल ने भी किया, मगर दोनों पराजित रहे, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें जो है सिंध के शासक दाहिर को उन्होंने पराजित कर दिया था और दाहिर युद्ध भी इसको कह जाते हैं और उसमें यह मारा गया था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसको भी जीत लिया था। तो देख सकते हैं आप कि अरबियों ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था और सबसे पहले उन्होंने जो है किस प्रकार से आक्रमण किया है, तो ये एरिया उन्होंने जीत लिया था पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मुल्तान भी इसी में आता है, रोपड़ है हिंदुस्तान का। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत मैं सबसे पहले आते ही जजिया कर लगाया, जजिया कर मतलब एक प्रकार का टैक्स लगाया, और टैक्स में क्या किया उन्होंने, वो गैर मुसलमानों से, यानी कि उन्होंने आते ही मुसलमानों से भैया क्या किया, टैक्स नहीं लिया, और जो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, जो मुसलमान नहीं थे उनसे टैक्स जो है वो वसूलने लगे, मगर कुछ लोगों को उन्होंने फ्री रख दिया कि भैया हम आपसे जो है वो टैक्स नहीं लेंगे। ये टैक्स फ्री थे, कौन थे टैक्स फ्री लोग, कौन कौन से थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थे और विकलांग थे, बच्चे बूढ़े बच्चे औरतें और विकलांग, इनको याद रखिएगा, इनको आते ही अरबियों ने जो है गैर मुसलमान जितने भी थे उनसे टैक्स लेना फ्री किया, औरों को सबसे टैक्स लेते थे ये, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं और लास्ट में ब्राह्मणों से भी टैक्स नहीं लेते थे, ये रह गया था, ब्राह्मणों से भी टैक्स फ्री थे ये भी। और फिरोज शाह तुगलक ने आकर ब्राह्मणों से जो है जजिया कर जो है वो शुरू कर दिया था, याद रखिएगा, बच्चे बूढ़े विकलांग महिलाएं और ब्राह्मण से जो है ये जजिया कर नहीं लेते थे, और सबसे जजिया कर लेते थे। जब फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने जजिया कर जो है वो ब्राह्मणों से भी लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को ही समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया। जजिया कर को अंत में जो सबसे लास्ट रूप दिया, यानी कि बंद करने के लिए, वो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। तो जजिया कर समाप्त सबसे पहले मतलब अंतिम रूप किसने दिया या सब खत्म किसने किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। अरबों की सिंध विजय के कारण क्या रहे थे, एक कारण यह था कि मुस्लिम राज्य का विस्तार करना, राजनीतिक कारण मेन यही है। आज भी जो है पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि इंडिया वालों को दबा दें, चाइना सोचता है कि इंडिया को दबा दें, क्यों, क्योंकि वो आ चाहते हैं अपना एरिया बढ़ाते रहे, ठीक है, खुश नहीं चाहते, खुशी नहीं चाहते अपनी, बस ये चाहते हैं कि हमारा जो साम्राज्य है वो विस्तार होता रहे, ठीक है। आर्थिक कारण, भारत एक समृद्ध देश था, आज भी देखिए कितना समृद्ध होता जा रहा है और हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं,
और हमारे कदम चंद्रमा तक भी पहुंच जाएंगे, यानी कि इंसान भी जो है वो चंद्रमा पर पांव रखेगा, वो भी इंडिया का, और वहां से इनका जो है वो नजर, जो बुरी नजर होती है ना, तो वो पड़ गई थी, तो समृद्ध देश था, इसलिए उसके ऊपर अधिकार करके धन प्राप्त करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, जो तुर्कों ने आक्रमण किए हैं, तो क्या क्या आक्रमण किए हैं देखिए। तुर्क ने चीन के उत्तर पश्चिमी भाग की जैसे मैं निवास करने वाले असभ्य और बर्बर जनजाति, बर्बर मतलब दूसरे ताड़ फाड़ वाले, वो जनजाति थी, और 962 ईस्वी में अल्तरानी नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य यानी कि यामनी साम्राज्य की स्थापना की, और अल्तगीन इतने से इतने ईस्वी में आया था, समय काल है उसका, तो उसने अपनी राजधानी गजनी बनाया, और अल्तनी ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को, मतलब 17 जो थे से नियुक्त किए हुए थे अधिकारियों को चुना, और सबूत गीन था जिसे एक, उसमें से सबूत गीन भी था, तो अल्तगीन ने सबूत गीन के बाद जो है सबूत गीन ही वहां का शासक बना था। तो सबूत गीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबूत गीन 977 से लेकर 97 तक रहा है, भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी सबूत गीन था। इसने 986 में पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण कर उसके पराजित किया, और सबूत गीन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे, कौन थे? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। तो दोनों के बीच जो है वो उत्तराधिकार के लिए, जैसे बाप मर जाता है तो दो पुत्र होते हैं, तीन होते हैं तो आपस में लड़ मरते हैं, वैसे ये भी लड़ मरे, और दोनों ने जो युद्ध हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम जो है महमूद विजयी हुआ, और अब्दुल कासिम जो है महमूद गजनवी के नाम से जाना गया था फिर बाद में, ठीक है। तो महमूद गजनवी के बारे में 1998 से लेकर 1030 तक रहा है। इसने सबूत की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा था, जैसे मैंने आपको बताया, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। 17वीं बार जब आक्रमण किया था तब इसकी डेथ हो गई थी। और महमूद गजनवी ने प्रथम 1000 में ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया था, और पेशावर के कुछ हिस्सों पर जो है विजय प्राप्त की, और फिर अपने देश वापस लौट गया था। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि 17 बार आप पूरे लर्न करिए, आपको यह बोलूंगा कि 1001 से 2 तक जो है इसने हिंदू शाही राज्य और जयपाल राजा थे उनसे जीता था, उनके ऊपर आक्रमण किए। 16वीं बार जो आक्रमण लास्ट में, सेकेंड लास्ट जो था वो 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर, भीम प्रथम वहां के राजा थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब उसने कब किया था आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी ऐसे कन्नौज पर भी किया था, तो राज्यपाल थे, और 18 में किया था 19 तक, ठीक है। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। 16वां जो है सोमनाथ मंदिर पर किया था महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा, और मंदिर को लूट के जाने के क्रम पर कुछ जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी कि जब 16वां उसने आक्रमण की, मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटा, और जाटों को पता लगा कि हमारे मंदिर को लूट कर जा रहे हैं, तो उन्होंने, उन जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, और कुछ धन दौलत जो है वो उससे वापिस ले ली थी, ठीक है, कुछ संपत्ति वापस लूट ली। और महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था, मगर 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी ने के साथ जो होते थे वो याद रखिएगा, इतिहासकार कौन कौन से थे, फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी, ये तीन इतिहासकार जो हैं वो महमूद गजनवी के साथ हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिरदौसी ने जो है कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, आप म्यूट करके या पॉज कर लीजिएगा, म्यूट तो क्यों करेंगे, पॉज करके इसको जरूर एक बार नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिरदौसी ने शाहनामा, अलबरूनी ने किताब उल हिंद, उतवी ने किताब उल यामनी पुस्तक लिखी हुई है, तो ये इनकी पुस्तकों के नाम भी आ जाते हैं पेपर में,
तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है इसको नोट कर लें। महमूद गजनवी ने बुत शिकन और मूर्ति भंजक भी कहा गया है महमूद गजनवी को। मूर्ति भंजक यानी क्योंकि मूर्तियां तोड़ी थी इसने, तो इसके आक्रमण के प्रभाव देखिए, भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय यानी कि राजनीतिक जो हमारी राजनीति थी अंदर की उसको उजागर कर दिया कि कितनी कमजोर राजनीति है हमारे भारत की, तो उसको उजागर किया था इसके युद्धों की वजह से। और पंजाब में सिंध और मुगलों सॉरी मुल्तान के गजनवी जो थे गवर्नर नियुक्त किए थे कर मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। भारत में विदेशी आक्रमणों के लिए दरबार खोल दिया कि भैया यहां से आक्रमण करोगे, क्योंकि तो यहाँ के शासक आपस में मतलब दोनों का आपस में मेल मिलाप नहीं है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक संबंध अच्छे न होना। तो भारतीय कला को नष्ट किया था और मतलब जी भरकर जो है उसने अपना धन यहां से भारत से जो है वो धन लूट कर लेकर गया था। तो ये इसका था। नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद गोरी, जो इन्होंने भी भारत पर जो है किस प्रकार से आक्रमण किए हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे साथ साथ में। मोहम्मद गोरी जो है 12वीं शताब्दी में आए थे और गोर वंश का उदय हुआ था और साम्राज्य का आधार जो है उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। इन्होंने उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से जो है वो भारत की तरफ नजरें गाड़ी और 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का शासक बना था। 75 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, ये इसकी पहली वजह थी। और 78 में गुजरात पर आक्रमण किया और किंतु वहां के शासक जो थे भीम द्वितीय थे और उन्होंने बुरी हालत से मतलब इसको हराया और पराजित कर दिया और तुर्क आक्रमणकारियों ने पहली पराजय जो है वो देखी। और त्राइन का 1191 में जो है त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इस युद्ध में भी जो है मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया बुरे हाल से, ठीक है, और वो वापस भी चला गया इस पराजय के कारण, मगर फिर से वापस लौट आया। त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी ने जो है उन्हें यानी कि पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो उनको जो है बंदी बना लिया। अगर इसको भी बना लिया तो दूसरा युद्ध ही ना होता, ठीक है। तो इस प्रकार से उस वक्त की समय की बातें हैं। तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में ये जो युद्ध हुए थे तो इनको युद्ध को आप याद रखिएगा। खोखरों का युद्ध याद करिएगा 1205 में हुआ है। कन्नौज का या चंदावर का युद्ध कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जय चंद के साथ हुआ था 1194 में। त्राइन का आपको मैंने बता दिया है, इन युद्धों को जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद गोरी। 1205 में मोहम्मद गोरी अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया था इन्होंने, यानी कि पंजाब में खोखर जाति हुआ करती थी तो खोखर जाति के प्रति जो है इन्होंने मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया। और इसके सेनापतियों ने कौन कौन से जो थे सेनापतियों में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, दिल्ली की सल्तनत का है, तो ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का, देखिए, ठीक है। अजमेर विजय की है और इसी प्रकार से 1197 में बदायूं विजय की है, बुंदेलखंड विजय किया है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया है 1197 में बिहार विजय किया है और बंगाल विजय किया है। तो दो थे इसके, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो बारी बारी हम दोनों को देखेंगे आगे हमारी वीडियोस में। 1198 में मोहम्मद गोरी ने के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया था। तो कमेंट करिएगा, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, वीडियो जरूर अगर आपने देखी होगी मुझे बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी, जरूर कमेंट करिएगा। तो ये था मोहम्मद गोरी का इतिहास और उससे जुड़े हुए तथ्य। ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे मिक्स क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा इसी चैनल पे विजय पथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, जय भारत।